खबरों की नई दुनिया न्यूज ट्यूबर हिंदी। क्या पिछले साल कोरोना के समय भारतीयों ने स्विस बैंकों में खूब पैसा जमा किया है? एक साल में स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा कितना बढ़ गया है? नमस्ते भारत, आप जुड़ चुके हैं न्यूज ट्यूबर हिंदी के साथ। स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसे में रिकॉर्ड बढ़त हुई है, ऐसा हम नहीं बल्कि स्विस बैंक के आंकड़े कह रहे हैं। स्विस बैंक में भारतीय कंपनियों और लोगों का धन 2021 के दौरान 50% से बढ़कर 14 साल के सबसे ऊपर स्तर पर पहुंच गया है, जो 30,500 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जिसमें भारत में स्विट्जरलैंड के बैंकों की शाखाओं और दूसरे वित्तीय संस्थानों में जमा धन भी शामिल है। 16 जून को जारी स्विस बैंक के आंकड़ों के मुताबिक बैंकों में भारतीयों का धन बढ़ा है। इससे पहले साल 2020 के आखिर तक भारतीयों का धन 20,700 करोड़ रुपए था। इसके अलावा भारतीय ग्राहकों का बचत या जमा खातों में राशि 2 साल की गिरावट के बाद 2021 में लगभग 4,800 करोड़ रुपए के साथ 7 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। भारतीय ग्राहकों की कुल देनदारी 383.19 करोड़ स्विस फ्रैंक है। इसमें 60.20 करोड़ स्विस फ्रैंक ग्राहकों की जमा राशि के रूप में है, जबकि 122.5 करोड़ स्विस फ्रैंक अन्य बैंकों के जरिए रखे गए हैं और 30 लाख स्विस फ्रैंक न्यासो आदि के जरिए रखे गए हैं। स्विट्जरलैंड के बैंकों में पैसा जमा करने के लिहाज से भारत 44वें स्थान पर है। स्विस बैंकों में ब्रिटेन का 389 अरब स्विस फ्रैंक जमा है, जो सबसे अधिक है। इसके बाद अमेरिका के ग्राहकों का स्विस बैंकों में 168 अरब स्विस फ्रैंक है। 100 अरब से अधिक जमा करने वाले ग्राहकों की सूची में केवल ब्रिटेन और अमेरिका है। वहीं स्विस बैंकों में पैसा जमा करने वाले टॉप 10 देशों में वेस्ट इंडीज, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर, हांगकांग, बहामास, नीदरलैंड, केमन आइलैंड और साइप्रस शामिल हैं। भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी स्विस बैंकों में जमा कथित काले धन की हमेशा चर्चा रही है।